हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आगे का लेक्चर, आगे का सेगमेंट देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था एक्चुअली में बच्चों, देख लेते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर टू, बहुत ही बढ़िया, वो बहुत ही आसान चैप्टर है आप लोगों का, ये सबसे बोनस मार्क्स दिलाने वाला लेक्चर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर टू। अब इस लेक्चर में हम लोग आसानी से समझेंगे कि हमको लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर का एक छोटा सा ओवरव्यू हम लोग देख लेते ताकि आपको कॉन्सेप्ट से लिंक बना रहे तुरंत, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हमने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट के बारे में पढ़ा था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है और डबल सॉल्ट क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम इस लेक्चर में, और मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था, जैसे मैंने K4Fe CN6 नाम का कोई कंपाउंड मैंने लिया था, याद आ रहा है आपको, K4Fe CN6 नाम का एक कोई कंपाउंड मैंने लिया था, उसमें Fe को मैंने क्या बोला था, सेंट्रल मेटल आयन, और CN को मैंने क्या बोला था लीगेंट, और यहां पर अब देखो, इसको मैंने बोला था काउंटर आयन, क्या बोला था इसको, काउंटर आयन, यहां तक मैंने आपको बताया था। और ये जो है वर्ड यहां पर इंटीजर नंबर होता है जो कि आपके किसको डेनोट करता है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर को, किसको डेनोट करेगा बेटा, मतलब ये एक टाइप का इंटीजर नंबर होगा। इसी से हम क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर, हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर, दिस इज नॉट अ कोऑर्डिनेशन नंबर, दिस इज अ इंटीजर नंबर, विद द हेल्प ऑफ दिस इंटीजर नंबर वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई बाय डेंटिसिटी ऑफ लिगेंट, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं हाउ मेनी लोन पेयर इज गिवन बाय द लिगेंट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था, ये मैंने आपको बेसिक बताया था। अब देखो कि अगर मैं इस कंपाउंड को तोड़ूंगा पानी में, जब मैं इस कंपाउंड को तोड़ूंगा तो यहां पर हमारे दो पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारे दो पार्ट आएंगे, इसको मैंने पानी में लिया, जैसे ही मैंने इसको लिया तो यहां पर मेरा आएगा एक 4K+ और एक आ जाएगा FeCN6। आज कल का लेक्चर अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को पता पड़ गया होगा, ठीक है, 4K+ FeCN6 माइनस 4-, इससे मुझको ये मिला, चाहे मैं इसको एक लाइन में लिखूं चाहे मैं इससे ऐसे लिखूं, इससे मुझको क्या क्या मिला, पानी में डालते ही एक ये मिला, ठीक है। इसको तोड़ो, ब्रेक डाउन करो तो आपको यही मिलेगा। अब ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये वाले पार्ट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर, क्या बोलते हैं बच्चों, आयोनाइजेशन स्फीयर। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसको हम क्या बोलते हैं एक्चुअली में, इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, जो कि मैंने कल आपको बताया था, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। तो ये तो हमने कल तक पढ़ लिया था, इतना ये आपका कल के लिए इंट्रोडक्टरी था, एक बार आप इसको नोट डाउन करो उस पे ही, कि मतलब नेक्स्ट लेक्चर का इंट्रोडक्शन आप एक बार नोट डाउन क्या करो, उसके बाद आप आगे पढ़ना स्टार्ट करो तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। अब हम चालू करते हैं नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर, कि देखो यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को बताता हूँ कि अब देखो कॉम्प्लेक्स आयन कितने टाइप के होंगे, ठीक है, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है, टाइप ऑफ, सबसे पहले यहां पर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, बेटा टाइप तो हम बहुत सारा डिफाइन कर सकते हैं, मैं बहुत ज्यादा आपको टाइप में डिफाइन कर सकता हूं, लेकिन जहां जहां जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं
वही वही आपको टाइप इन्हें डिफाइन करूंगा। मैं आपको टाइप हर जगह डिफाइन नहीं करूंगा कि मतलब एक बार मैंने बहुत सारे टाइप बता दिए फिर आप कंफ्यूज आप लोग हो जाओगे। नहीं, हम जहां 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 हमको डिफाइन जरूरत पड़ेगी वही वही हम उसको डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप लोगों का कंसेप्ट वीक होता जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर हम फाइनल में पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पर तीन टाइप के होते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन आपके कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन तीन टाइप के। एक होता है हमारा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पार्ट। कॉम्प्लेक्स पार्ट हमारे दो टाइप के, तीन टाइप के होंगे। एक होगा हमारा नेगेटिव, एक होगा हमारा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पार्ट, एक होगा हमारा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है, और एक होगा हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स पार्ट। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स पार्ट, बात को ध्यान से समझते जाओ, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स पार्ट मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां पर आपके न्यूट्रल हो। मतलब अगर मैं देखो इस एग्जांपल में अगर बोलना चाहूं यहां पर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पार्ट का एग्जांपल मैं लेता हूं, मेरा फेवरेट एग्जांपल K4FeCN6, K4FeCN6 बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है बच्चों। देखो जब मैंने इसको वाटर में तोड़ा, किस में तोड़ा? वाटर में। जब मैंने इसको वाटर में लिया, वाटर में मैंने इसको लिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा हमारा, थोड़ा सा रख लेते हैं, जैसे मैंने इसको वाटर में लिया तो हमारा बनेगा यहाँ पर 4K+ बन गया। यहाँ पर क्या बना बेटा, यहाँ पर FeCN6-। अब बताइए यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कौन सा चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हियर कॉम्प्लेक्स पार्ट इज नेगेटिवली चार्ज, हियर कॉम्प्लेक्स पार्ट इज नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो आपका कैसा चार्ज है बच्चों? नेगेटिवली चार्ज है। तो हियर हियर कॉम्प्लेक्स पार्ट इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, हियर कॉम्प्लेक्स पार्ट इज नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। बात क्लियर है? यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिवली चार्ज है। तो इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और हम देख लेते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर Na Ag CN2, Na Ag CN2। अब इसको देख लेते हैं, Na Ag CN2 में मैंने वाटर डाला, अब बताओ Na के ऊपर तो +1 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? +1, और इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? AgCN2। अभी बस आप लोग जानते जाओ कि क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। अब फिर से हमारा कॉम्प्लेक्स आयन वाले पार्ट पर कौन सा आया? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स हुआ, ये वाला कॉम्प्लेक्स हुआ और ये वाला कॉम्प्लेक्स हुआ, दोनों आपके किसके एग्जाम्पल हुए? नेगेटिवली कॉम्प्लेक्स पार्ट के। तो वॉट विल बी द डेफिनेशन ऑफ नेगेटिवली नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पार्ट, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स पार्ट बोलो या फिर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो इसका डेफिनेशन हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड भी बोल सकते हैं नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पार्ट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कि इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इफ कॉम्प्लेक्स इज अ नेगेटिवली चार्ज देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, ठीक है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स स्टार्ट वाला। अब देखो इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखो, अब हमको पूछा है पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज हमारा क्या होगा? इसको मैं इधर बता देता हूँ और इसको मैं यहाँ बता दूंगा, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ ताकि मुझे ध्यान रहेगा कहाँ से कहाँ तक हमको चलना है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज, देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, CrH2O6Cl3। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज वाले और ये नेगेटिवली चार्ज वाले, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों बोलो? CrH2O6, यहाँ पर क्या आ जाएगा? Cl के ऊपर -1 और 3 Cl है तो 3-1 हो गए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3+। अब बोलो कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, हियर कॉम्प्लेक्स पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है बेटा आपका?
पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल पार्ट की, तो न्यूट्रल पार्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर Fe CO5, यहाँ पर no any charge present ऑन कॉम्प्लेक्स पार्ट। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लेक्स पार्ट लिखो, ये ज़्यादा बेटर है। अब देखो, अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट पे नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा बच्चों, किसका एग्जांपल हुआ आपका, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स पार्ट। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल देते हैं कभी कभी, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स। ये आपका नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और इसको मैं क्या बोलूँगा बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलूँगा, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, और इसको क्या बोलूँगा बच्चों में, न्यूट्रल चार्ज कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स है। आई होप सो कि आपको ये अब समझ में आया होगा पूरा जो आपका डाटा है, ये एक बार आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे कॉम्प्लेक्स आयन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक होता है लीगेंट, एक लीगेंट होता है। अब तो यहाँ पर लीगेंट कहाँ है, यहाँ CN लीगेंट है, यहाँ H2O है, यहाँ CN है, यहाँ CO है, तो ये सारे लीगेंट होते हैं। तो अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर लीगेंट। तो लीगेंट क्या होता है बच्चों, विच कैन डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू, मैंने लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन बताइए, विच कैन डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन मतलब CMI, जो CMI को क्या देगा बेटा, आपके लोन पे डोनेट करेगा। इट कैन बिहेव एज अ लुईस बेस। ठीक है, तो लिगेंड के बारे में जान लेते हैं। लिगेंड एक्चुअली क्या होता है, पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन स्पेयर विच कैन डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन को जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो आपका क्या होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जो होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, वो आपके लिगेंड होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिगेंड को चार्ज के हिसाब से भी डिवाइड किया गया है, हमको जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ उस तरीके से करेंगे, चार्ज के हिसाब से भी डिवाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज टाइप्स ऑफ लिगेंड समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो समझना, टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज चार्ज के बेसिस पे। ठीक है, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, आपको चार्ज याद होना चाहिए। याद हो गया चार्ज, इसका मतलब आप बहुत सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हो। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज आपको टाइप ऑफ लिगेंड, तो यहाँ पर लिगेंड कितने टाइप के देख लेते हैं। यहाँ पर तीन टाइप के लिगेंड होते हैं, एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज लिगेंड। ठीक है, एक आपका होता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, और एक आपका कौन सा होता है बच्चों, न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, एक होता है नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, एक होता है न्यूट्रल लिगेंड। नेगेटिव चार्ज लिगेंड, लिगेंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, ठीक है, लिगेंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे लिगेंड विच कंटेन नेगेटिव चार्ज ऑन इट। ठीक है, कुछ के मैं एग्जांपल बता देता हूँ, कुछ आपको विद रेस्पेक्ट टू टाइम आपको याद हो जाएगा, जब मैं नोमेनक्लेचर लिखाऊंगा तब आपको याद करवा दूंगा। कुछ के मैं नाम बताऊंगा, कुछ के मैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी मैं कुछ बता रहा हूँ, फिर मैं आपको कुछ आगे भी बता दूंगा।
तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सबसे पहले देखो x माइनस, x माइनस का मतलब क्या बोलेंगे, हेलो 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 बोलेंगे इसको, x माइनस को क्या बोलेंगे, हेलो। अब देखिए इसके ऊपर कितना चार्ज है बच्चों, माइनस वन। हमको चार्ज ध्यान रखना है, ठीक है, हमको चार्ज कुछ सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि चार्ज अगर आप लोगों को आ गया तो आप किसी भी टाइप का लिगेंड को सोल्व कर सकते हो। चार्ज अगर आपको आ गया तो आप किसी भी टाइप के लिगेंड को सोल्व कर सकते हो। तो अभी मैं जितना लिखवा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आप लोग ध्यान रखो, ठीक है ना। चार्ज, चार्ज के थ्रू आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे, अगर यहाँ पर फ्लोरीन होगा तो क्या बोलेंगे, फ्लोरो। एक्स की जगह क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन होगा और फ्लोरीन होगा। तो मतलब क्लोरीन को क्या बोलेंगे, क्लोरो। याद है ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर मैंने बताया था, क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो, ठीक है, इजी बढ़ गया। चलो अब देखो एच माइनस को बोलेंगे, एच माइनस को हम जनरली क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। क्या बोलते हैं हम एच माइनस को जनरली, हाइड्राइड। हम क्या बोलेंगे अब इसको, हाइड्राइडो। क्या बोलेंगे, हाइड्राइडो। नाम समझो कैसे बना रहा हूँ, हाइड्राइडो, ठीक है। हम जनरली क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। नाम में मैंने क्या लगा दिया बाद में, हाइडो, हाइड्राइडो। अब देखो O2 माइनस, इसको ऑक्साइड बोलते, तो इसको सिंपली बोलेंगे ऑक्सो। इसको क्या बोलेंगे, सिंपली हम ऑक्सो। देखो सबके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर कितना है, माइनस टू। चार्ज हमको फोकस करना है इसके ऊपर, नेगेटिव माइनस टू, ठीक है। अब देखो OH, OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्स, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। OH हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइडो। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइडो। अगर मुझसे पूछा हाइड्रोक्साइडो के ऊपर चार्ज कितना है तो क्या बोलोगे, माइनस वन। नाम अभी धीरे 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 याद करते जाओ, क्योंकि एक ऐसा नहीं कि आप लोगों को एक साथ नाम याद होगा, धीरे धीरे नाम याद करते जाओ, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एस टू माइनस, इसको बोलेंगे सल्फाइडो। इसको क्या बोलेंगे, सल्फाइडो, ठीक है। एन थ्री माइनस, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइडो। क्या बोलेंगे इसको, नाइट्राइडो। नाम अभी याद करते जाओ, जैसे जैसे मैं नाम बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग याद करते जाओ, ठीक है। अब एस एच माइनस, एस एच माइनस को आप क्या बोलोगे, मरकेप्टो। क्या बोलोगे, मरकेप्टो, ठीक है, मरकेप्टो। मैंने आपको बताया था एस एच का, ठीक है। एन एच टू माइनस को हम क्या बोलेंगे, अमाइडो। एन एच टू माइनस को हम क्या बोलेंगे, अमाइडो, ठीक है। एन एच टू माइनस को हम क्या बोलेंगे, अमाइडो, ठीक है। एन एच टू माइनस, एन एच टू माइनस, इसको बोलेंगे इमीडो। क्या बोलेंगे इसको, इमीडो। नाम तो आप ही को याद करना है, नाम आप ही को याद करना है। नाम अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन को तुरंत एकदम सिंपल मेथड से सॉल्व करवा दूंगा। सी एन माइनस को बोलेंगे साइनाइडो। सी एन माइनस को क्या बोलेंगे, साइनाइडो, साइनाइडो। सी एन माइनस को बोलेंगे साइनाइडो, ठीक है। एन सी माइनस को बोलेंगे आइसोसाइनाइडो, आइसोसाइनाइडो। एस सी एन माइनस को बोलेंगे थायोसाइनाइडो, थायोसाइनाइडो, ठीक है। और एन सी एस माइनस को बोलेंगे आइसोथायोसाइनाइडो, आइसोथायोसाइनाइडो। ये कुछ है जो आपको याद रखने, आइसोथायोसाइनाइडो, ठीक है। अब इसके बाद आप इतना ध्यान रख लो, ठीक है। एस टू ओ थ्री को बोलेंगे थायोसल्फेटो। क्या बोलेंगे, एस थ्री ओ टू टू माइनस को थायोसल्फेटो, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, थायोसल्फेटो। ये कुछ है आपके नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। तो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड हमारे कौन कौन से होंगे बच्चों, देखो तो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड में एग्जाम्पल कम है, लिगेंड, लिगेंड विच कंटेन, कंटेन पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, ठीक है। सबसे पहले NO प्लस, NO प्लस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, NO प्लस को हम बोलेंगे नाइट्रोसोनियम। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोसोनियम। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका, नाइट्रोसोनियम। NO2 प्लस को हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोनियम। NO2 प्लस को हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोनियम। क्या बोलेंगे,
नाइट्रोनियम, नाम ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है, और अभी से ध्यान रखना है, एनओ आपका प्रेजेंट होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में, किसमें, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में काम आता है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर NH2, यहाँ पर NH2 को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, NH2 को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा के मैंने प्लस चार्ज लगा दिया, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजीनियम, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीनियम, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया आप लोगों का नेगेटिवली चार्ज लिगेंट, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज लिगेंट। आई होप सो कि आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कैसे याद करना है हाइड्रोजीनियम। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज लिगेंट हो गया, नेगेटिवली चार्ज लिगेंट हो गया, अब हम देख लेते हैं न्यूट्रल लिगेंट। तो न्यूट्रल लिगेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब देखो, लिगेंट विच कंटेन नो एनी टाइप ऑफ चार्ज, लिगेंट विच कंटेन नो एनी टाइप ऑफ चार्ज। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पिरिडीन, इसको क्या बोलेंगे, पायरिडीन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पिरिडीन, और इसका सिंबल क्या होगा, PY। ये तो आप लोगों को पढ़ाया था ऑर्गेनिक में, आई होप सो कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पिरिडीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर NH3 का नाम, बच्चों कई बार आपकी दिक्कत होगी, यही गलती होगी, इसको बोलते हैं अमाइन, इसको क्या बोलते हैं, अमाइन, डबल एम वाला, यहाँ आप सिली मिस्टेक करोगे, इसको क्या बोलेंगे, अमाइन, इसको क्या बोलेंगे, अमाइन, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, अमाइन। हाँ, एक H2O, पानी की बोतल आपने देखी होगी, उसके ऊपर लिखा होता है एक्वा, उसके ऊपर क्या लिखा होता है, एक्वा, ठीक है। एक आपका यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर N2 को बोलेंगे डाइनाइट्रोजन, ठीक है। फिर अगर मैं CO को बोलेंगे कार्बोनिल, CO को बोलेंगे कार्बोनाइल, ठीक है, और CS को बोलेंगे थायो कार्बोनाइल। कुछ नाम है जो आपको याद रखने, बार बार, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो इनके ऊपर किसी भी टाइप का कोई चार्ज नहीं है, जब इनके ऊपर किसी भी टाइप का कोई चार्ज नहीं है, इनके ऊपर इसके ऊपर कितना चार्ज है, किसी के ऊपर +1 हो सकता है, किसी के ऊपर +2 भी हो सकता है, लेकिन ये तीन आपको याद रखने, ये जो मैंने लिखा दिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका एक कदम नहीं चलने वाला, तो आप लोग ये ध्यान रख लीजिए, और इनके ऊपर चार्ज को ध्यान रखिए। चार्ज अगर आपको अभी याद रहेंगे तो आगे जाके आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला काम कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो था टाइप ऑफ लिगेंट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ लिगेंट ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, बट बच्चों चार्ज का फोकस करना, चार्ज में अभी से ही बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, इसका मतलब चार्ज को अच्छे से फोकस कर लो। अगर आपने चार्ज को फोकस कर लिया तो मैं बहुत अच्छे से बता दूंगा ये वाले कंसेप्ट। देखो टाइप ऑफ लिगेंट ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अब डेंटिसिटी के बेसिस पे चार्ज आपका कितना होता है बच्चों, देख लेते हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी लिगेंट्स आर मेनी टाइप्स। फर्स्ट ज़्यादा टाइप के होते हैं तो हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। पहला हमारा होता है यूनिडेंटेड बोलो या फिर मोनोडेंटेड बोलो। तो यूनिडेंटेड लिगेंट आपका क्या होता है, वो लिगेंट होता है जो केवल और केवल एक ही लोन पेयर को डोनेट करे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर लिगेंट इन विच Only one atom can donate lone pair electron.
ओनली वन एटम कैन डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड यूनिडेंटेड लिगेंड। या फिर नंबर ऑफ लोन पेयर कितने डोनेट करेगा बच्चों, एक लोन पेयर डोनेट करेगा। तो नंबर ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर इक्वल टू वन, तो लोन पेयर का डोनेशन कितना होगा, वन होगा, ये आपका है। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, एग्जाम्पल समझो जो जो एक एक करेंगे, सी एल माइनस, बी आर माइनस, या फिर एन ओ प्लस, ठीक है, या फिर एन ओ टू प्लस, ठीक है, या फिर आपका पिरिडीन, पिरिडीन, ठीक है, कुछ भी आ सकता है बच्चों इसमें, आपका ओ एच माइनस, ये सब कुछ आपके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है मोनोडेंटेड। अब आपको डाउट होगा सर यूनिडेंटेड हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है, बाइडेंटेड पहचानना सीख लो, उसके अलावा जो बचे उसको यूनिडेंटेड में डाल देना, बाइडेंटेड पहचानना सीख लो, उसके अलावा जो बचे उसको यूनिडेंटेड में डाल देना, ठीक है। तो सेकंड समझो, यहाँ पर बाइडेंटेड, बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड क्या होगा बच्चों, बच्चों यहां पर बाइडेंटेड लिगेंड क्या होगा, लिगेंड विच इन विच ओनली, लिगेंड इन विच टू एटम्स कैन डोनेट, टू एटम्स कैन डोनेट डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने एटम आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, दो एटम। इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर कितना हो जाएगा बच्चों, दो, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चों इसके। सबसे पहला एग्जांपल, अभी एग्जांपल पे फोकस करेंगे, मैं जो एग्जांपल बताऊंगा उसका नाम भी बताऊंगा, चार्ज भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सबसे पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल ई एन, ई एन को बोलते हैं हम इथाइलिन, इथाइलिन डाई अमाइन। अब याद रखो NH3 को हम क्या बोलते थे, अमाइन, AMMINE, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, अमाइन, अंतर है, अंतर है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो इथीन, इथीन इथेन 1,2-diamine, ठीक है। लेकिन आप मोस्ट प्रोबेबली इस नाम से जानो, ये नाम भी इसका आपका हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, CH2NH2, यहाँ पर क्या होगा CH2NH2, यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर होगा और यहाँ एक लोन पेयर होगा। तो क्या करेंगे बेटा, डेफिनेशन क्या है, लिगेंड इन विच टू एटम कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो ये दो एटम ने दिया, आपको समझ में आ गया। इसको नाम भी हम क्या लिखेंगे, इथाइलिन डायमाइन, और पहले जिसका जो जो नाम लिखा है वो देख लेना, यहां पर भी हम ये नाम लिखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों अगला एग्जांपल, ओ एक्स नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो, ठीक है, ऑक्सलेटो। तो ऑक्सलेटो क्या होता है, एच यहां पर लिख देता हूं, सी ओ ओ माइनस, सी ओ माइनस, ओ माइनस। हाँ एक चीज बताना भूल गया, इस पर चार्ज कितना है, कहीं पर भी चार्ज है, नहीं है। तो यहाँ पर चार्ज कितना होगा बच्चों आपका, जीरो। यहाँ पर चार्ज कितना होगा बच्चों आपका, जीरो। और यहाँ पर कितने एटम डोनेट कर रहे हैं, दो एटम आपके डोनेट कर रहे हैं, और टोटल चार्ज कितना हुआ, चार्ज कितना हुआ बच्चों यहाँ पर आपके, चार्ज यहाँ पर हुआ माइनस टू, चार्ज यहाँ पर क्या हुआ माइनस टू, क्लियर हो गया। यहाँ पर दो माइनस चार्ज है, और ये ओ एक्स का मतलब ऑक्सलेटो, इसका नाम क्या होगा, ऑक्सलेटो, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखो, ये आपको ऐसे भी दे सकता है ई सी टू ओ फोर टू माइनस, ये आपको कैसे दे सकता है बच्चों, सी टू काउंट कर लो सी टू एन टू एच फोर, ये होता है बच्चों आपका इथाइलिन डायमाइन, ये ध्यान रखना बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन ऐसे घुमा के दे सकता है आप लोगों को, ठीक है। अब अगला देख लेते एग्जांपल, अगला हम होते हैं GLY, GLY को बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, ठीक है। तीन और एग्जांपल बताऊंगा इसके अलावा, उतने आप ध्यान रख लो। ग्लाइसिनेटो क्या होता है, इसका हाफ पोर्शन, देखो इसका हाफ पोर्शन मैंने बना दिया, और इसका आधा, इसको आधा करो तो क्या दिख रहा है CH2NH3, इसका आधा करोगे तो क्या दिख रहा है CH2NH3।
CH2NH2, तो CH2NH2 दोनों का आधा आधा करेंगे तो आपको क्या बन जाएगा, ग्लाइसिनेट। देखो दो लोन पे डोनेट कर रहा है, चार्ज कितना है GLY पे, चार्ज है आपका -1, चार्ज आपका कितना है -1। पूरे मॉलिक्यूल में दे देखो ना चार्ज आपको कितना दिख रहा है, इस पर चार्ज -1, इस पर चार्ज -2, इस पर चार्ज आपका कितना हुआ, 0। ठीक है, एक और देख लेते हैं एग्जांपल। यहां पर एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, यहां पर बाइडेंटेट का, ठीक है, बाइडेंटेट का मैं एक और एग्जांपल बता देता हूं यहां पर आप लोगों को, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं काम आता है और कहीं कहीं आप लोगों के काम नहीं आएगा, ठीक है ना, तो उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक होता है DMG, हाँ DMG से रिलेटेड क्वेश्चन आपका जेई पूछता है, जेई पूछता है DMG से रिलेटेड क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन पूछेगा जो सबसे फेमस क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवाऊंगा इस बीच। तो देखो अब DMG को बोलते हैं डाई मिथाइल ग्लाइसिमेटो, डाइमिथाइल ग्लाइकोक्साइम, 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 ठीक है, ग्लाइकोक्साइम, डाइमिथाइल ग्लाइकोक्साइम, ठीक है, और हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोक्साइमेटो, इसको ग्लाइकोक्साइमेटो बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे ऑक्सलेटो बोला, ग्लाइसिनेटो बोला, अब क्या बोलेंगे, डाइमिथाइल ग्लाइकोक्साइम, ठीक है, ये ग्लाइकोक्साइमेटो, ठीक है। अब समझना इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, डीएमजी का स्ट्रक्चर समझना, डाइमिथाइल है तो दो मिथाइल ग्रुप पे लगेंगे, ये हो गया दो सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, डाइमिथाइल मतलब दो सब्स्टिट्यूएंट लिखा दिया, डाइमिथाइल ग्लाइकोक्साइम मतलब एन, एक में ओ माइनस डबल बॉन्ड, एक में आपका यहाँ डबल बॉन्ड, ना ना, एक में आपका यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा एन एन एच, ठीक है, यहाँ आ जाएगा एन एच, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोक्साइम, मतलब इसको बोलते हैं ग्लाइकोक्साइम ऑक्साइम ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइम ग्रुप, अब इसको हम बोलेंगे माइनस। अब देखो यहाँ पर कितने कंपाउंड आपके लोन पर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं बच्चों, यहाँ पर रुको रुको, इसको हम ऐसे करते हैं ना, टॉटोमेरिज्म स्ट्रक्चर बना देते हैं, दो मिनट रुकना, इसका स्ट्रक्चर कुछ आपका ऐसा, हाँ ऐसा ऐसा टॉटोमेरिज्म, यहाँ से ये लोन पेड़ देगा, यहाँ से ये लोन पेड़ देगा, तो कितने एटम ने लोन पेड़ दिए बच्चों आपके, दो एटम ने लोन पेड़ दिए, इसलिए इसका नाम क्या होगा, डाइमिथाइल ग्लाइकोक्साइमेटाइल, ठीक है, ये मैं फिर से बताऊंगा, वैसे भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वे में बताऊंगा। अब GLY पर चार्ज कितना है बेटा, यहाँ पर -1, GLY पर चार्ज कितना है -1। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगला एग्जाम्पल मैं लिखा देता हूँ आपको, ACAC मतलब ACAC का मतलब एसीटाइल एसीटोनेटो, ठीक है, एसीटोनेटो एसीटाइल एसीटोनेटो। अब देखो इसका इसको कैसे करेंगे, एसीटाइल ग्रुप क्या होता है, CH3CO CH2 CH2 यहाँ पर CO सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर आपका CH3। अब देखो इसका मैं थोड़ा सा टोटोमर बनाता हूँ, इसका टोटोमर बनाया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, इस H को निकाल दो। अब देखो ये वाला माइनस है, ये दोनों लोन पेड़ देंगे, इसको बोलेंगे एसीटाइल एसीटोनेटो, इसको क्या बोलेंगे, एसीटाइल एसीटोनेटो। अब इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, -1, टोटल चार्ज कितना है बच्चों, -1। तो ये कुछ इस टाइप के लिगेंड है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, AC के ऊपर हमेशा चार्ज कितना होगा, -1। तो आपको पता पड़ गया, जनरली आपको काफ़ी सिंपल है, एक दो बार, दो से तीन बार अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे, दो से तीन बार अगर आप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को पक्का आ जाएगा, श्योर, आई एम श्योर कि आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो थे हमारे बाइडेंटेड, अब हम सीधा बात करते हैं पॉलीडेंटेड। तो पॉलीडेंटेड में भी मैं इंपॉर्टेंट ही लिखवाऊंगा, मैं सारे नहीं लिखवाऊंगा, इसमें एक और लिख सकते हैं बाईपाई मतलब दो पिरिडीन, बाईपाई का मतलब दो पिरिडीन, तो बाईपाई भी लिखा ही देता हूं मैं बाईडेंटेड में, बाईडेंटेड में मैं बाईपाई भी लिखाई देता हूं आप लोगों को, ठीक है, ज्यादा लिखने से वैसे कोई फायदा नहीं है किसी चीज का, ये आपका बाईपाई, बाईडेंटेड में बाईपाई, इसको बोलेंगे बाईपिरिडीन, ठीक है, ये एक और एग्जांपल, देखो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पॉलीडेंटेड, पॉलीडेंटेड, हाँ तो इसमें समझते हैं, लिगेंट विच कैन डोनेट, लिगेंट इन विच पॉलीडेंटेड लिगेंट,
पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो क्या होगा बच्चों, लिगेंड इन विच मोर देन टू एटम कैन डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, लिगेंड इन विच मोर देन टू एटम कैन डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, ये तो था आपका पॉलीडेंटेट का। चलो अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मतलब जिसमें दो से ज्यादा। ठीक है, सबसे पहला मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर डाइन था ना, इथाइलिन डायमर EN था ना। अब देखो वो EN को दो बार लिख दो, EN को दो बार, EN कौन सा था, इथाइलिन डायमाइन, उसको दो बार लिखो। तो यहाँ पर CH2, यहाँ पर NH2 लिख दिया, CH2, यहाँ पर NH2। अब देखो यहाँ पर दो लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर। अब देखो तीन जगह से इसको मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये डाई इन आपका किस टाइप का होगा बच्चों, ट्राइडेंटेड लिगेंड। बात समझ में आई, ट्राइडेंटेड लिगेंड बोलेंगे और इसको क्या लिखेंगे, डाई EN। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और बच्चों। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर EDTA-3। अब देखो EDTA दो टाइप का होगा, एक होगा -3, एक होगा -4। EDTA का नाम क्या होता है बच्चों, समझ लेना, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, ये होता है इसका नाम। ठीक है, एसीटेट वर्ड का मतलब क्या है, एसीटेट क्या होता है एसिटिक एसिड क्या होता है, ये समझ लो ना, आपको समझ में आ जाएगा। एसिटिक एसिड आपका होता है CH3COOH। अगर इसमें से H हटा दिया तो ये कौन सा आयन बन जाता है, एसीटेट आयन। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा बच्चों आप लोगों का, एसीटेट आयन। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं नाम लिखना। इथाइलिन डायमाइन बनाना है मुझे, तो N बना दिया, CH2 बना दिया, N बना दिया। देखो इथाइलिन डायमाइन तो मैंने बना दिया। अब डायमाइन में तो देखो यहाँ पर जो नाइट्रोजन पर मैं हाइड्रोजन लगाता था उसको हटा के मुझे एसीटेट लगाना है, तो CH2COOH, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2COOH, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2COOH, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2COOH। अब बताओ यहाँ पर कितना डोनेशन हो रहा है। अब देखो टेट्रा नहीं, यहाँ पर ट्राई एसीटेट है, जब तीन होता है तो यहाँ पर कितना होता है ट्राई एसीटेट। अब देखो ट्राई एसीटेट का मतलब तीन ही आपके एसीटेट वाले पार्ट आएंगे, मतलब ये वाले पार्ट तीन आ गए, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये कौन सा लिगेंड होगा, ये CMI को देगा, इसको बोलेंगे पेंटाडेंटेड लिगेंड। कौन सा बोलेंगे, पेंटाडेंटेड लिगेंड। मतलब टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने देगा बच्चों, ये 5। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने देगा, 5 देगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर EDTA4-। अब देखो EDTA4- का मतलब इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, अब देखो कैसे होगा बच्चों, इथाइलिन डाइअमाइन बना लिया। अब टेट्रा एसीटेट का मतलब चार ये वाले पार्ट, यहां पर तीन थे, यहां पर आपके 1, 2, 3, अब वहां पर कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। समझो CH2COOH, और यहाँ पर CH2COOH। अब देखो चार पार्ट आ गए। अब देखो कहाँ कहाँ से ये आपका लोन पेयर देगा, समझना बात, एक यहाँ से देगा और एक यहाँ से देगा। तो CMI को कितने लोन पेयर मिले, 6 लोन पेयर मिले, इसको बोलेंगे हेक्साडेंटेड लिगेंड। ये कुछ आपको याद रखने,
बस इतना याद रख लो, आप लोगों को बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है? आपको बहुत कुछ आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है? बाई डेंटेड का एग्जाम्पल ध्यान रखो और उसका एग्जाम्पल ध्यान रखो, ठीक है? तो ये तो था आपका टाइप्स ऑफ लिगेंट ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। चार्ज को आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, चार्ज को आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अब देखो यहाँ पर ये टाइप ऑफ लिगेंट आपने ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी समझ लिया। अब कुछ अलग अलग टाइप के भी लिगेंट होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। वो आपको जब मैं आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा तब मैं एक और टाइप का लिगेंट बताऊंगा, ठीक है ना? वो मैं टॉपिक वाइज आपको बताता हूँ। अभी आपको दो टाइप के लिगेंट को अच्छे से फोकस कर लेना है, अच्छे से ध्यान रख लेना है। फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट भी होता है, वीक फील्ड लिगेंट भी होता है, बहुत सारे टाइप होते हैं। अभी आपको इतना ही फोकस करना है, इससे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जितना जितना मैं बता रहा हूँ पार्ट वाइज वैसे वैसे करते जाओ। अगर मैं पहले ही तुम लोगों को ज़्यादा बता दूंगा तो आप लोगों को फिर थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि ये ज़्यादा लेंदी है चैप्टर। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा खाएंगे ना तो हमको, आगे हम आराम से रिलैक्स करके वर्क भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक साथ ज़्यादा खाएंगे तो हमको नींद आने लग जाएगी, तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे। मतलब थोड़ा थोड़ा करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हम एक साथ सारे कंसेप्ट नहीं लेंगे, हम धीरे धीरे जहाँ जहाँ जो जो काम आएगा वो कंसेप्ट को लेंगे, ठीक है? अब मैं कुछ एक क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। देखो एक जनरल एग्जांपल बताता हूँ, फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है? अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, आप लोगों ने रेडॉक्स में पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑन सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है? ऑन सेंट्रल मेटल आयन आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कहाँ पर? सेंट्रल मेटल आयन पर। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, इस चीज को हमको समझना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो देखो ए ऑप्शन में यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोगों को देखना है और समझना है, ठीक है? चार्ज वार्ज आप लोगों को ध्यान रहेगा। अब आई होप कि आप लोगों को चार्ज 100% ध्यान रहेगा। पहला क्वेश्चन है K4Fe CN6, ठीक है? बी है यहाँ पर CO En2 Cl2 Cl, CU NH3, इसमें स्पेस छोड़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बी CO En2 Cl2 Cl, ठीक है? सी आपका CU NH3 4SO4, डी आपका होगा यहाँ पर NI DMG2Cl2, ठीक है? ABCD ई आपका होगा यहाँ पर FeCO5, ठीक है? FeCO5 F आपका है बच्चों यहाँ पर K3AlC2O4 thrice, ठीक है? ये हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक और बता देते हैं, यहाँ पर EF, हाँ इतना काफ़ी है अभी के लिए, इतना काफ़ी है, ठीक है? अब देखो आपको सेंट्रल मेटल आयन, सबसे पहले आपको पहचानना है कि यहाँ पर लिगेंड कौन सा है, यहाँ पर CN है, यहाँ पर लिगेंड कौन सा बच्चों? यहाँ पर लिगेंड दो टाइप का है, एक EN है एक CL है, ठीक है? यहाँ पर लिगेंड कौन सा है बच्चों? यहाँ पर लिगेंड है NH3, यहाँ पर लिगेंट आपका कौन सा है बच्चों?
यहाँ पर लिगेंट है आपका डीएमजी, डाइमिथाइल ग्लाइसीमेट, अभी अभी मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर लिगेंट कौन सा बच्चों, यहाँ पर लिगेंट है आपका सीओ मतलब कार्बोनाइल, यहाँ पर लिगेंट कौन सा बच्चों, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो ओ एक्स मतलब ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो, ठीक है। अब आप लोग जानते हो कि अब लिगेंट तो सर ने पहचान लिया, तो इसमें देखो सबसे पहले इसको तोड़ लेंगे, सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ो, सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ेंगे, तो इसको दो पार्ट में तोड़ लो, सबसे पहले दो पार्ट में तोड़ देंगे, यहाँ पर क्या बनेगा 4K प्लस, और यहाँ पर क्या बन जाएगा साथ में FeCN6 4 माइनस, ठीक है। यहाँ पर तोड़ो इसको, यहाँ पर क्या बनेगा दो पार्ट में, दो पार्ट में किस कहाँ से तोड़ेंगे Cl से तोड़ेंगे, तो एक बनेगा Cl माइनस, कितने Cl है एक Cl है, और यहाँ पर क्या बनेगा CoEn2Cl2, यहाँ पर बन जाएगा प्लस, इसको दो पार्ट में तोड़ो, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों CoNH3 4, और यहाँ पर कौन सा होगा प्लस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा SO4 2 माइनस, ठीक है SO4 2 माइनस, ठीक है SO4 2 माइनस, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं निकल DMG ट्वाइस, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 2Cl माइनस, ठीक है 2Cl माइनस। अब इसको तोड़ो, यहाँ टूटेगा ही नहीं, यहाँ टूटेगा ही नहीं, यहाँ पर एक ही टाइप का है, यहाँ क्या यहाँ टूटेगा, हाँ यहाँ पर आएगा 3K प्लस, और साथ में आ जाएगा एल्यूमिनियम C2O4 थ्राइस 3 माइनस, कितने प्लस चार्ज है यहाँ पर 3 प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 माइनस, ठीक है ये सब तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पूछूँ कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, तो इसको क्या बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलेंगे इसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, देखो वो टाइप भी मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले साथ साथ आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालिए, ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर तो एक्स्ट्रा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है आपको सबका, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा निकालेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर मैंने बताया था CN क्या आपके बाइडेंटेट में है, नहीं है ना, बाइडेंटेट का जो जो एग्जांपल बताया वही बाइडेंटेट के, बाकी आप लोगों को ध्यान रखना है CN आपका बाइडेंटेट नहीं है, मतलब ये आपका यूनिडेंटेड है, यूनिडेंटेड मतलब नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई बाय डेंटिसिटी इक्वल टू कितना आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6। यहाँ इसका निकालो कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका निकालो कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, अब देखो यहाँ पर EN कौन सा लिगेंड होता है बाइडेंटेड, तो दो बाइडेंटेड लिगेंड है, तो डेंटिसिटी नंबर ऑफ लिगेंड इनटू इट्स डेंटिसिटी दो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस Cl की डेंटिसिटी 1 होती है, यही तो आपका लिगेंड है अंदर वाला, बाहर वाला लिगेंड नहीं होता, बाहर वाला आपका क्या होता है काउंटर आयन, ठीक है। तो यहाँ पर 1 कितना हो गया टोटल 4 और 2 6, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो जल्दी से, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, मैं आपको परेशान कर दूंगा पूछ पूछ के, हर बार पूछूंगा ये चीज़, यहाँ पर कितना हो गया 4 लिगेंड है मल्टीप्लाई बाई ये आपका यूनिडेंटेड होगा, और ये किस टाइप का लिगेंट होगा, ये आपका न्यूट्रल लिगेंट है, यहाँ पर ये आपका न्यूट्रल लिगेंट है, देखो आप लोगों को बार बार पूछ पूछ के याद करा दूंगा मैं, डोंट वरी। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों, देखो यहाँ पर कितना है 2 है, और डीएमजी किस टाइप का होता है बाइडेंटेड, तो 2 कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों आप लोगों का, ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 5 लिगेंड है, और सीओ किस में आता है बच्चों आपका यूनिडेंटेड में, बाइडेंटेड में नहीं लिखाया था यूनिडेंटेड में, तो कितना हो जाएगा बच्चों इसका 5। इसका बताइए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा देखिए फटाफट 3, और कितने यहाँ पर C2O4 ऑक्सलेटो बाइडेंटेड या फिर ट्राइडेंटेड, बाइडेंटेड, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, कितना हो गया बच्चों ये आपका 6। तो ये आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया। अब हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर मुझे इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है,
और इसका निकालना है, ठीक है। अब मैंने तोड़ा क्यों, क्योंकि मुझे चार्ज आराम से दिख जाए। अब देखो इसके हिसाब से इसके हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर वो Fe का मान लिया मैंने Fe, या फिर X मान लो, कुछ भी मान सकते हो। Fe को मैंने मान लिया, चलो X मान लियो, X मान लिया। अब CN कितने, 6 CN है, और एक CN के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1, ठीक है। और टोटल नेट चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल कितना है, -4। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x-6 = -4। तो ये इक्वेशन क्या बन गया, x = +2। मतलब Fe के ऊपर चार्ज कितना है बच्चों, यहाँ पर Fe के ऊपर चार्ज आपका हुआ +2। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको देख लेते बच्चों, यहाँ पर CO का निकालना है, यहाँ पर मुझे CO का निकालना है, तो ये वाले पार्ट का निकालना है। तो CO को मैं कैसे कर दूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ON, ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। CO को मैंने मान लिया X, ठीक है। कितने कितने आपके हैं बच्चों, यहाँ पर 2 है, ठीक है। और EN क्या होता है बच्चों, आपका न्यूट्रल लिगेंट है, क्या EN पे चार्ज होता है, सोचो। मैंने लास्ट टाइम यहाँ लिखवाया था, देखो पलट के, EN के ऊपर कोई चार्ज था, नहीं था। तो EN के होगा बच्चों आपका 0। कितने CL है, 2 CL है, ठीक है। और एक CL पे कितना चार्ज होता है, -1। आप देख सकते हो वहां पलट के मैंने चार्ज बना रखा है ऊपर, इक्वल टू, इसके इक्वल में क्या आएगा, +1। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये तो हो गया आपका 0, ये तो हो गया आपका 0, ये हो गया -2। अब -2 वहां जाएगा तो +2, तो x = कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3। x = कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3। अभी अभी आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नाम का चैप्टर का दिया है टेस्ट, ठीक है। अब ये वाला बताओ, यहाँ पर निकालता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर, निकालो बच्चों इस कंपाउंड का। देखो Cu का निकालना है, तो उसको मान लिया मैंने X। NH3 कितने NH3 है, 4 NH3 है, और एक NH3 पे चार्ज कितना होगा, 0। और इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2। अब इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो 4 × 0 = 0, तो x = क्या हो गया, +2। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ठीक है। इस तरीके से निकाल लिया, यहां पर निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो जल्दी बताओ यहां पर, अब देखो निकल का निकालना है x, DMG कितने, 2 है, एक DMG पे कितना होता है चार्ज, -1, देखो मैंने लिखवाया है। और यहाँ पर कितना है, -2। मतलब टोटल कॉम्प्लेक्स पे इक्वल टू के उस तरफ, टोटल कॉम्प्लेक्स पे इक्वल टू के उस तरफ, ठीक है। टोटल कॉम्प्लेक्स, जब भी आपका टोटल कॉम्प्लेक्स होना इक्वल टू के उस तरफ। देखो जैसे Cr2O72-, इसका आपने निकाला होगा रेडॉक्स में, बहुत निकाला होगा, तो इसका मैं बता देता हूँ। देखो इसको मान लिया मैंने 2x + 7 × -2 = उस तरफ जाएगा तो -2। बस ये वाला आपका, ये वाला जो चार्ज होगा कंपाउंड के ऊपर, वो बराबर के उस तरफ रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x, ये क्या हो जाएगा, -2, और ये -2। तो यहाँ पर आपका चार्ज कितना आ गया बच्चों, DMG, डाइमिथाइल ग्लाइसीमेटो, ठीक है। तो यहाँ पर ये वहाँ जाएगा, तो x के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 0, ठीक है। x के ऊपर चार्ज कितना आ गया, 0। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। देखो यहाँ पर किसका निकालना है, Fe का। Fe का मान लिया X, CO के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0। और इस मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है, 0। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है ना, ये एनायनिक था, तो इसका ऊपर इस तरीके से किया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x = 0। यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऊपर निकालना है, तो निकालो एल्यूमिनियम के ऊपर, ठीक है। पहले तोड़ के निकाला करो, एल्यूमिनियम का X मान लिया, ठीक है, 3 ऑक्सीलेटो है, और C2O4 के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2। और इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, -3। नाउ आपका x - 6 - 3 = x = क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो, x = +3। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +3। तो इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला वो एक्चुअली में है क्या, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो निकाला, इसके अंदर जो पहले वाले कंपाउंड के अंदर Fe किसके अंदर प्रेजेंट है, Fe+2 के अंदर। दूसरे वाले कंपाउंड में कोबाल्ट किसके अंदर प्रेजेंट है, कोबाल्ट+3 के अंदर। जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सेंट्रल मेटल के आयन के ऊपर लगता है। ये तीसरे में Cu कौन सा वाला प्रेजेंट है, Cu+2 वाला, ठीक है। चौथे में Ni आपका कौन सा वाला प्रेजेंट है, Ni0 वाला, ठीक है। यहाँ पर Fe आपका कौन सा वाला प्रेजेंट है, Fe0 वाला। यहाँ पर एल्यूमिनियम आपका कौन सा वाला प्रेजेंट है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, वही आपका होगा CMi का ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसके अंदर एल्यूमिनियम +1, Fe0, Fe+2, Co+3,
Cu+2Ni, ठीक है, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने कितने प्यार से आप लोगों को निकालना है, एक दो बार अगर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो मैं इससे रिलेटेड वर्कशीट आपको भेजूंगा आज, ठीक है, और आज के आज ही आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, और यहां पर लिगेंड का टाइप भी ध्यान रखो, CN यूनिडेंटेड, EN बाइडेंटेड, इस तरीके से आप लोग करो क्वेश्चन, एक दो बार करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इससे रिलेटेड आपको वर्कशीट भेजूंगा, आई होप सो कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, और कल मैं और एक्स्ट्रा लेक्चर भेजूंगा जिससे आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लेरिफाई हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।